अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिद्दीक इकबाल, LeanDen.com की तरफ से आज आपके पास एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो बिना किसी किस्म के टाइम जाए के चलते आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये एक पैकिंग मशीन पर है। ये अनीस इंजीनियरिंग की प्रोडक्ट है। इसके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के मसाला जात को पैक कर सकते हैं, जैसे कि गरम मसाला हो गया, हल्दी मिर्च हो गई, और इसके अलावा नमक हो गया, या इस तरह की जितनी भी प्रोडक्ट्स मिलती हैं मार्केट में। आमतौर पर ये तकरीबन 40-50 प्रोडक्ट हैं, ये सारी की सारी इसी में पैक की जाती हैं। इस तरह की मज़ीद मशीनें हैं जो आप मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी मशीन में आप कई किस्म की प्रोडक्ट्स को तैयार कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा वो नहीं चाहिए, मशीनरी नहीं चाहिए इस कारोबार के लिए। सिर्फ एक मशीन चाहिए जिसमें आपने सिर्फ पैक करना है, बनी बनाई चीज़ें लेनी है मार्केट में से। तो ज़्यादा झंझट नहीं है और बहुत ही अच्छा कारोबार है पाकिस्तान में। इसका जो है आजकल ट्रेंडिंग पे है। इसके अंदर अभी उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं आया जितना के दूसरी प्रोडक्ट्स में है। कंपटीशन तो खैर हर प्रोडक्ट में है, लेकिन अपने मार्केट में अपनी जगह बनानी है। लेकिन इसमें दूसरों की निस्बत बहुत ही कम जो है वो कंपटीशन आपको नज़र आता है। और करने में आसान है, ज़्यादा मुश्किलात नहीं है, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर मेहनत नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम, जैसे कि दूसरी प्रोडक्ट्स में होता है, आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपको तजुर्बा नहीं है। इसमें तजुर्बे की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ़ एक पैकिंग मशीन लेनी है, उसके अंदर चीज़ डालनी है, पैक करनी है और मार्केट में देनी है। मशीन लेने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर रابطہ कर सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगी। पाकिस्तान में बनती है, मसला नहीं है। अगर कल को कोई इशू आ जाता है तो आप पाकिस्तान में ईज़िली इसके स्पेयर पार्ट्स मौजूद हैं हमारे पास से मिल जाते हैं, नीस इंजीनियरिंग से मिल जाते हैं। तो आपको इस किस्म के इशूज़ नहीं है कि बाहर की जैसे मशीनरीज होती हैं वो वाले स्पेयर पार्ट का इशू जैसे आता रहता है, तो वो नहीं है। तो इसके अलावा आप नीचे नंबर पर रابطہ कर सकते हैं, नीचे वेबसाइट दी हुई है, आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। कोई ना बुरा नहीं, ये तो वेरिएबल ही रहता है।